बीते शुक्रवार वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत स्थित फेज वन बड़े पार्क के अंदर बनी पानी की टंकी पर 14 वर्षीय बच्ची चढ़ गई। वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर बच्ची नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। मौके पर जैतपुरा थाने की पुलिस भी पहुंचकर बच्ची को उतारने की मशक्कत में जुट गई। घंटों तक चली कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और बच्ची की मां ने पहला फुसलाकर बच्ची को नीचे उतार लिया। बच्ची की पहचान नम्रता सुमन पुत्री आशीष सोनकर के रूप में हुई है। बच्ची की मां के अनुसार बच्ची दिमाग से विक्षिप्त है। घंटों तक चली मशक्कत के बाद बच्ची को नीचे उतार तो लिया गया, मगर बच्ची नीचे उतरते वक्त भी रोती नजर आई। मुख्य रूप से बच्ची अशोक विहार कॉलोनी फेज वन की निवासी बताई जा रही है। एक नम्रता सुमन नाम की एक लड़की है जो किन्हीं कारणों से जो है मतलब टंकी पे चढ़ी थी, उसे सकुशल फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा और स्थानीय थाना जैतपुरा की पुलिस टीम के द्वारा सकुशल उसे नीचे उतार लिया गया है। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। तो मशक्कत काफ़ी करनी पड़ी, तो बच्ची को मनाना पड़ा, ऊपर जाके बैठी हुई थी, रो रही थी, तो उसको मनाना पड़ा। महिला सिपाही भी हमारी वहाँ ऊपर गई और उसे मना करके उसकी माँ के साथ जो है उसको नीचे उतारा गया है। लड़की पूरी तरह सुरक्षित है। कारण तो अभी पता नहीं चला है, कारण के बारे में अभी पूरी जानकारी करेंगे। पहला हमारा कार्य जो था वो था बच्ची को सुरक्षित बचाना, तो बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है और कारण जो है उसके बारे में अभी पता करेंगे। बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसके बारे में जानकारी करने के पश्चात ही मैं कुछ बता पाऊँगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।